Check, mic check, mic check, mic check, mic check. Check, check, mic check, mic check, mic check. Now it's fine. Perfect, everybody. अभी ठीक होना चाहिए, guys. Yes? फटाफट देख के बता दो. Yes? Sorry, guys. Sorry. Sorry, there was some problem. Yes, मेरे बच्चों. Because मुझे 2-3 घंटे का क्लास लेने का बहुत मन है, but I will not be able to stand for so long. तो I thought चलो, जैसे भी मैं आपको 3-4 chapters फटाफट करवा देती हूँ. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और बताना चाहती हूँ गाइज. मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज बोर्ड वाले मेरे पास बच्चे भी कम हैं और हमारा हम इतने अच्छे से बोर्ड सीरीज कर नहीं पाए. बायो वैसे ही ईजी सब्जेक्ट है, पर नीट में तो हम जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे. तो 17 से तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि मैम हमें MCQ ज़्यादा करना है, विच आई रियली अपलॉड योर हिम्मत, बिकॉज MCQ ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज. यस, मैं MCQs ऐसे करवाऊंगी कि MCQs आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी. क्या कहते हो? राइट, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो थ्योरी भी हो जाएगी. और मैं परसों से, बस कल का दिन तुम लोग थोड़ा रेस्ट करना है कर लो. आई विल डू 2 क्लासेस. सुबह की क्लास आप लोगों ने टाइम बोला है 9:30 AM, तो उठ जाओगे 9:30 AM. हाय कमल, क्लास वाली फीलिंग आ रही. विल यू बी एबल टू गेट अप एट 9:30 AM एवरीबडी? यस, सुबह 9:30 बजे मैं आपकी क्लास लूंगी 12th की, और शाम को 7 बजे 11th की. 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 50-50 MCQ, 1.5 to 2 hours in the morning, 1.5 to 2 hours in the evening. We will do 50-50 MCQs each. Done. और आपके 30 डेज में पूरा एक साइकिल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास अभी सिर्फ 50 डेज बचे हैं यार. तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर, उसके बाद यूनिट वाइज करेंगे. और इसके अलावा वी विल डू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, वो सब भी मैं करवाऊंगी आपको. यस, डन. कल बोर्ड एग्जाम है, चलो फिर फटाफट कर ले. सबसे पहले माइक्रोब्स करते हैं, फिर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे, फिर हम एवोल्यूशन करेंगे, डन. फिर इकोलॉजी भी कर लेंगे. ओके, डन 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 डन. उठ जाता ना 6 बजे. यस, तो चलो माइक्रोब्स. एक्चुअली मेरे पास बोर्ड मुझे लगता है इतना सिंपल है, सब बच्चों को लगता है एकदम लल्लू चीज है, आते ही नहीं है पढ़ने, तो नीट वाले बच्चे ज्यादा आते हैं. मैंने चलो फिर भी कुछ नहीं होता, बोर्ड्स में थोड़ा बहुत करवा देते हैं. यो एवरीबॉडी, फ्राइडे से तो मचाना ही मचाना है यार. बस वेडनेसडे, थर्सडे कल आपका पेपर वेपर डिस्कस होगा, फ्राइडे से तो मचाना ही मचाना है. राइट, चलिए. तो माइक्रोब्स होता है, आपको सबसे पहले पता है, लैक्टोबैसिलस, जो दही जमाने के काम आता है. ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. ये एसिड बनाता है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं. तो लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बनाता है. डन सात्विक, डन. 9 to 10:30 है सात्विक. ओके ओके ओके, राइट. ये लैक्टिक एसिड बनाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जिसको हम LAB कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस. थोड़ा सा डालना पड़ता है. इट इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम. व्हाट इज इट कॉल्ड? इनोक्यूलम. और ऑब्वियसली कर्ड के अंदर विटामिन B12 भी ज्यादा होता है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अनवांटेड पैथोजेंस को उगने भी नहीं देता. राइट पूजिता, सो इट इंक्रीजेस द लैक्टिक एसिड बैसिलस. इट हेल्प्स टू चेक द अनवांटेड पैथोजेंस और अनवांटेड बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ लेट अस कम टू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन. राइट, एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन. और व्हाट इज फर्मेंटेशन? इज एनरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट द बैक्टीरिया विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन. सो जब भी एनरोबिक होता है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? टेल मी समृद्धि, एवरीबडी. जब भी एनरोबिक होता है, कमलजीत, अलीशा, जोसेफ, रजनी, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये फूल जाता है. राइट, सो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन डो. इट इज यूज टू मेक फूड सच एज इडली, डोसा. इट बेसिकली लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यस एवरीबडी. और जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, जो फूल जाता है, वो क्यों फूल रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज दैट क्लियर एवरीबडी? राइट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आते हैं अगले पे, चलते हैं. बेकर्स ईस्ट. ईस्ट होती है आपकी सैक्रोमाइसीज. ईस्ट जो है वो आपके ब्रेड्स, आपके केक्स बनाने में काम आती है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो. व्हेनेवर यू डू फर्मेंटेशन, यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वो फूल जाता है. राइट, इट गेट्स फ्लफी. टॉडी जो है वो सैप, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. जब हम पाम को फर्मेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है? टॉडी इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक.
प्लीज रिमेंबर दिस दैट टॉडी इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटिंग पाम्स एंड माइक्रोब्स होते हैं विच आर यूज टू फर्मेंट फिश सोयाबीन बैम्बू शूट्स बैम्बू का पिकल वगैरह बनाने में काम आते हैं करेक्ट एवरीबडी सो प्लीज फ्राइडे ऑनवर्ड्स आप लोग बस चैप्टर पढ़ के आइएगा एंड वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑल दी एमसीक्यूज चीज प्रोडक्शन पे आते हैं नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज में दे आर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्विस चीज के जो बड़े बड़े होल्स होते हैं जिसको जिसकी वजह से वॉट इज देयर एवरीबडी ऑल माई साउथ इंडियन स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट प्रोप्यूरोबैक्टीरियम शर्मैनी विच इज अ बैक्टीरिया एक और चीज होता है जिसको हम रॉकफोर्ट चीज कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक फंगस जिसकी वजह से फ्लेवर आता है सो इसको पेनिसिलम रॉक फोर्टी कहते हैं व्हाट डू यू कॉल इट सुलू वी कॉल इट पेनिसिलम रॉक फोर्टी सो दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोप्यूरोबैक्टीरियम शर्मैनी स्विस चीज एंड पेनिसिलम रॉक फोर्टी राइट कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया लैक्टो एसिड बैसिलस क्या एड करता है What is the nutritional quality, everybody, come on, which is added in curd? 2000 question, one mark. Yes? Come on, Sankar students, Vikas! Long time no see! Drop me a message on Telegram, come on! It is B12, Samriddhi is absolutely right, B12, chaliye. Which organism is responsible for large holes? Jaldi, large holes, Propionibacterium Sharmani! Yes, everybody. Now, microbes and industrial products. इनमें से एक question आपके exam में पक्का आने का chance है, so please pay a lot of attention. सबसे पहला question, fermenters. Fermenters की जरूरत होती है microbes, because whenever you are producing something in the industry, you cannot produce it in small scale. आपको बड़े-बड़े fermenters की जरूरत होती है. So these are very large vessels जहाँ पे आप microbes उगा सकते हो. Now, आप एक industry में क्या-क्या produce करोगे? Can you produce beverages? Can you produce beverages? Yes. Can you produce antibiotics? Yes. And आप छोटे स्केल पे प्रोड्यूस नहीं करोगे राइट क्रिएटिव इशू यू वट एवर यू प्रोड्यूस यू गोइंग टू प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज स्केल सबसे पहले आप एक ईस्ट को यूज करते हो जिसको बेकर्स और ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं बेकिंग में यूज होती है अल्कोहल बनाने में यूज होती है उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस रिवेसी ये सीरियल्स को फर्मेंट करती है फर्मेंट करके जब भी आप मोलासेस को सीरियल्स को फर्मेंट करते हो वॉट इज इट दैट यू गेट अल्कोहल विच अल्कोहल डू यू गेट C2H5OH तो ये किस क्या बनाने में हेल्प करती है वाइन और बियर का अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है प्लीज एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी वाइन एंड बियर का अल्कोहलिक कंटेंट दिया कम होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन अगर मैं विस्की का काम लू ब्रांडी रम इनका अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन इज दैट क्लियर एवरीबडी इज दैट क्लियर एवरीबडी यस सो आपके वाइन और बियर का अल्कोहलिक कंटेंट कम होगा विस्की और ब्रांडी और रम का अल्कोहलिक कंटेंट काफी ज्यादा होगा कई बार केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोब से फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स ऐसे स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे इज दैट क्लियर एवरीबडी डन तो जो बैक्टीरिया को नहीं ग्रो करने देगा उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं व्हाट डू दे ट्रीट प्लाग दे ट्रीट वूपिंग कफ Right? They treat diphtheria, which is caused by Cornibacterium diphtheriae. They treat leprosy, which is caused by Mycobacterium leprae. Antibiotics ke examples kya hai? Antibiotics ke examples hai penicillin, tetracycline or cephalosporins. Ek bachcha wo keh raha hai, I love you too. Beta, maine kab kaha I love you? Too to tab hota na, jab saamne se aapko kisi ne I love you kaha ho. Theek hai? To mere bachche, padhai pe dhyan de de, agar tu bachcha hai, aur agar tu bachcha nahi hai, to beta, किसी और को ढूंढ ले यस एवरीबडी चलिए आइए सो दीज आर यूज टू ट्रीट वूपिंग कफ दीज आर यूज टू ट्रीट डिप्थीरिया दिस इज यूज टू ट्रीट लेप्रोसी चलिए 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 सो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा कि कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है एसिटिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम बनाता है ब्यूट्रिक एसिड लैक्टोबैसिलस बनाता है लैक्टिक एसिड प्लीज ये चार चीजें याद रखिए लेट मी रिपीट इट कम ऑन रिपीट आफ्टर मी क्विकली एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है दिया जोसेफ सुलगना कमलजीत भारती एस्परजिलस नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है एसिटिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम बनाता है ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस बनाता है लैक्टिक एसिड Now, microbes, अगले साल से तो मैंने बोर्ड की क्लास लेनी नहीं है बेटा मुझे पता चल गया है मेरे पास सिर्फ नीट के बच्चे आते हैं बोर्ड के बच्चे तो आते ही नहीं है चैनल पे मेरी भी बेइज्जती कराते हैं 40 बच्चे देख रहे हैं और मैं एकदम गला फाड़ फाड़ के क्लास ले रही हूँ राइट बस अब परसों से नहीं छोड़ दी कोई भी क्लास यार
डन, परसों से अपना क्रैश कोर्स शुरू करते हैं और 30 डेज में पूरा सिलेबस खत्म करते हैं गाइस, 15 15 20 20 दिन में, सुबह शाम लेके करते हैं। यस एवरीबडी, डन। मैं मन कर रहा क्लास बंद भी कर दूं और जाके ना क्वेश्चन बना लूं, क्या कहते हो? ये तो तुम खुद ही कर लोगे। सच्ची यार मुझे फोमो हो जाता है बाकी लोगों को देख के, वरना मैं बोर्ड की क्लास लू ही ना, मैं भी 2 दिन छुट्टी ले लेती, थोड़ा रेस्ट करती। फ्राइडे से तो गाइज मैंने आग लगानी है, मतलब मुझे लिटरली हो रहा है, मतलब मेरा लिटरली मन कर रहा है कि मैं क्या कर दूं। आप लोगों को भी हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक बोर्ड एग्जाम बस खत्म हो जाए, आग लगा दे? यस मेरा तो मन कर रहा है बस फ्राइडे आ जाए, कैसे भी दुनिया में कुछ भी हो जाए बस फ्राइडे आ जाए, फ्राइडे सुबह के 9:30 बज जाए। यस मेरा सच में मन कर रहा है बस फ्राइडे सुबह के 9:30 बज जाए और मैं मतलब लिटरली आग लगा दे यार। कल का तुम्हारा पेपर खत्म करो, कल रेस्ट करो आके, और फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से 12th कराऊंगी और उसके बाद 13th। मेरा लिटरली मतलब मेरा मन कर रहा है बस किसी भी तरह कल का दिन खत्म हो जाए, उड़ जाए, भाग जाए, और अगले कितने दिन बचेंगे, 50 दिन में, मतलब मैं तो यार लिटरली 50 50 60 60 क्वेश्चन करा करा के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके थियोरेटिकली बढ़िया बनाकर और तुम लोगों को एकदम मतलब बैंड ही बजा दूं यार तुम लोगों का। यस खत्म हो गए, वेरी नाइस, मतलब लिटरली मेरा मन कर रहा है। चलो आ जाओ, तो ये हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलते हैं गाइस, और मैं अभी ना ज्यादातर रिविजन तुमको एमसीक्यूज के फॉर्म में ही करवाऊंगी। कल खत्म है ना सब कुछ? यस वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं उसी का वेट कर रही हूँ गाइस, बस आई एम टोटली वेटिंग फॉर दैट टाइम कि बस तुम्हारा किसी भी तरह मैं खत्म करवा दूं। यस यस आई विल गिव स्केड्यूल ऑल्सो सात्विक, पूरा डिटेल स्केड्यूल में शेयर करूंगी पूरे हफ्ते का, इस दिन ये वाला टॉपिक ये वाला टॉपिक, मतलब आप ये सोचो यार मैं ना आपके पूरा वो शेयर कर दूंगी, क्या कहते हैं कि यस ओहो सुपर क्लैश जिसे कहते हैं डे वाइज, डन। ये फर्स्ट को है, सेकंड को, थर्ड को, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, पूरा का पूरा। यस यार सुलगना, मैं बीच में फ्राइडे फ्राइडे कुछ नहीं ले रही, मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूं आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 से और फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 से, डन। पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11 एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12, बीच में कुछ नहीं। मेरा मेरा इतना यार मेरा इतना फ्लो बिगड़ गया है ना बीच बीच में बोर्ड एग्जाम्स, फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम। सो दैट इज द मेरा नीट का फ्लो बिगाड़ दिया इस बोर्ड एग्जाम ने। एक तो अनाउंसमेंट करो, ये करो, वो करो, आई एम जस्ट 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 गोइंग टू डू नाउ नीट पे तो आग लगानी है मुझे। यस एंड आई विल डू, मैंने पता क्या सोचा है, सुबह शाम आपको एमसीक्यू करवाऊंगी, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगी ऑफ 11th के, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगी 12th के, बीच से शुरू नहीं करूंगी, फर्स्ट टू एंड ऐसे ही चलेंगे रोज एक एक चैप्टर, और बीच में मैं टाइम टेबल पता क्या बनाऊंगी, पेडिग्री एनालिसिस इन 5 मिनट्स, मतलब जैसे मान लो O2 curve in 5 minutes, जो भी important topics है ना उनको 5, मेरा पूरा लय खराब हो गया यार। Yes, and बीच में NCERT के important topics जो है ना उनको 10 10 minutes के videos में बना दूंगी, got it? तुम लोग देखते रहो और सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम टेस्ट, 10 मिनट्स का वीडियो NCERT का बना दूंगी सारे टॉपिक्स के। चलो आ जाओ, अल्कोहल जो है वो ईस्ट से बनती है, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी वो बनाती है हमारे लिए अल्कोहल, हमारे लिए बनाती है C2H5OH, राइट? ओके कमलजीत, ओके ओके राइट, कम्युनिटी पेज पे अपलोड होगा करणप्रीत। लाइपेज जो है अगर हमारे तेल वाले हाथ है, लिपिड है तेल वाले हाथों में, तो इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन्स इन लॉन्ड्री। पेक्टिनेज जूस को क्लियर करने में आता है काम, तो बॉटल्ड जूसेस में आपने देखा होगा कभी फाइबर नहीं होते हैं, उनके फाइबर कौन निकालता है बॉटल जूस के? बॉटल जूस, यस सुलु, बॉटल जूस के फाइबर कौन निकालता है? पेक्टिनेज, प्रोटीएज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है बेटा? यस 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 यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है, यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है, जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है मतलब जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है इन देयर हार्ट में, क्लॉट हो गया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, जो स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, वो उस क्लॉट को निकाल देता है। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, इम्यून सप्रेसिव है। अगर किसी को कोई ऑर्गन चाहिए, उसकी बॉडी उस ऑर्गन को अटैक नहीं करनी चाहिए, तो हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना है। इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्यून सप्रेसेंस। इम्यून सप्रेसेंस कौन प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोडोर्मा पॉलीस्पोरम। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इम्यून सप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन। अगर एक क्लॉट है, क्लॉट को कौन डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस को कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर जूस में फाइबर्स हैं तो उनको कौन रिमूव करता है, पेक्टिनेज। अगर कपड़े पे तेल लगा हुआ है, उस तेल को कौन निकालता है, लाइपेज। दोबारा बताती हूँ, अगर डिटर्जेंट में आप लाइपेज डालोगे तो वो कपड़ों में से तेल निकाल देगा। अगर फ्रूट को बॉटल में पैक करने से पहले, फ्रूट के जूस को अगर आप उसमें पेक्टिनेज डालोगे तो वो फाइबर्स को निकाल देगा। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसकी बॉडी में क्लॉट बन गया, तो आप स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगाइए, उसकी बॉडी से वो क्लॉट हट जाएगा। अगर किसी को एक ऑर्गन डोनेट करना है आपको, या किसी पर्सन को अगर एक ऑर्गन चाहिए, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा। और हम यूज करते हैं इसके लिए इम्यून सप्रेसिव एजेंट। इम्यून सप्रेसिव एजेंट होते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आते हैं स्टैटिन्स पे। स्टैटिन्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। क्या आपको दिख रहा है वहां, मटन, चिकन, क्रैब्स, फ्रेंच फ्राइज, अंडे, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, चिप्स, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में जब जम जाता है, आपको दिख रहा होगा वहाँ LDL, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस या वो प्लाक कॉज कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, जैसे अभी आपने सुना सतीश कौशिक को हुआ, सुष्मिता सेन को हुआ। सो ये जो स्टैटिन्स हैं, ये मोनोस्कस परफ्यूरियस से प्रोड्यूस होते हैं। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये उस एंजाइम को कम कर देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करती है इन द लिवर। एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी से प्रोड्यूस होता है। कौन कौन बच्चा यहां आएगा अगले साल, नीट में अपना रैंक नंबर लाएगा। माइक्रोब्स आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट पे। सीवेज क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जो आपके घर से निकला है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स होते हैं जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, राइट। ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो पानी में जिसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर वाला पानी पानी नदियों में, नालों में डाल देंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कौन करता है बच्चों, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा ना बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा तो ऑक्सीजन यूज करेगा। यस, ऑक्सीजन कहाँ से यूज करेगा बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो कैसे यूज करेगा, वो ऑक्सीजन पानी का यूज करेगा, इसीलिए वो कॉज कर देगा यूट्रोफिकेशन। सो इसीलिए हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। सीवेज को ट्रीट करने के दो स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट। कैसे कैसे सीवेज को ट्रीट करते हैं देखते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज अ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। हमने फ्लोटिंग डेबरी हो गई, फिल्ट्रेशन किसी चीज का करना है, कोई हार्ड पार्टिकल्स है, ग्रिट है, स्मॉल पेबल्स हैं, यस, इन सबको हम सेडिमेंटेशन से अलग कर देते हैं। जब हम इन चीजों को सेडिमेंटेशन से अलग करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम एक जाली ले लेते हैं और सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो भी चीजें होती है, जिनका जो मोटी मोटी चीजें हैं, वो पेबल्स वगैरह अलग हो जाते हैं और सारा सीवेज जो है वो अलग हो जाता है। गाइस, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी खुद पढ़ सकते हो, तो वो भी मुझे बता दो। आपको ऐसा लगता है, ताकि मैं नीट पे फोकस करूं, परसों से मैं कंटेंट वगैरह बनाऊं। डू यू फील दैट यू वांट टू सिट एंड स्टडी ऑन योर ओन, आपकी स्पीड, आपके जो टॉपिक्स वीक हैं, आप उस खुद पढ़ना चाहोगे? वुड यू वांट टू डू दैट? और शुड आई कंटिन्यू टू टीच? आप बताइए। डू फील यू वांट टू स्टडी ऑन योर ओन, यू वांट टू टॉक टू मी फॉर सम टाइम एंड गो बैक एंड स्टडी ऑन योर ओन? बिकॉज मुझे बहुत सारे ड्रॉपर्स भी नजर आ रहे हैं क्लास में। काफी बच्चे कह रहे कल बायो का पेपर है, डर लग रहा है। डू वांट टू गो बैक होम एंड स्टडी ऑन योर ओन? नहीं, शुड आई कंटिन्यू? करवा दूं ये दो तीन चैप्टर्स? कोई है? मैं बताती रहूं? किसका मॉक टेस्ट चाहिए अभी आपको मदन? यू वांट टू हियर एवरीथिंग वंस?
यस ओके ओके ठीक है ठीक है। तो फिजिकल रिमूवल में हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक जाली रख ली, उस जाली में से हम फ्लोटिंग डेबरी जो आपके कंकर पत्थर है, ग्रिट है, सॉयल है, स्मॉल पेबल्स हैं, इनको हम निकालते रहेंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल आर कॉल्ड द प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर का फ्लूइड होता है बेटा, यस जो ऊपर का फ्लूइड होता है उसे कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को बेटा हम पता है कहाँ लेके जाते हैं, अगली जगह पर, एरिएशन टैंक्स में। देखो जो नीचे बैठ गया बेटा, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, जो नीचे बैठ गया उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर तैर रहा है उसको क्या कहा जाता है बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट। यस एवरीबडी, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट हम उनको एरिएशन टैंक्स में लेके जाते हैं। देखो बड़े बड़े एरिएशन टैंक्स आ गए, यहाँ पे हम कंटिन्यूसली हवा देते रहेंगे। पहले हम हवा देकर यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को उगाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो फ्लॉक्स, गुच्छे बन जाएंगे, बड़े बड़े बैक्टीरिया के बंडल जो फंगस में फंसे हुए हैं, इन्हें कहते हैं फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, राइट? और इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाता है। देखो होता क्या है, जब भी सीवेज होता है, सीवेज में हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट एज शिट निकलता है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, आपने खाना खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जब वो पानी में जाएगा, अगर कोई बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेगा, तो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन पानी से लेगा, जिसकी वजह से द ऑक्सीजन ऑफ द वॉटर विल डिक्रीज। देयरफॉर राइट, देयरफॉर ध्रुवकारा वी विल हैव टू put it in a place and give bacteria so that those bacteria are able to digest it and the water's oxygen is not decreased, right? So we take it in the primary aeration tank. Now what happens in the primary aeration tanks, the bacteria are going to grow and they are going to decompose the material, right everybody? So when the bacteria are growing and they are going to decompose that material, mere bachcho, after that group of bacteria is called as flocks. What is that group of bacteria called? It is called as flocks. We take out that group of bacteria, it settles down, right? Wo niche ko settle ho jata hai. To jab wo niche settle ho jata hai, we call it as flocks. और दिस नीचे जो बैक्टीरिया सेटल हो गया है, वी आर गोइंग टू रीयूज इट, राइट? हम इसको बहुत बार रीयूज करते हैं। जैसे बेटा दिस इज अ स्क्रीन, यू सी वी आर गोइंग टू स्क्रीन हियर, देन वी आर गोइंग टू कलेक्ट द ग्रिट, देन द फ्लूइड ऑन टॉप, वी आर गोइंग टू टेक इट टू एरिएशन टैंक्स, राइट? एंड इन द एरिएशन टैंक्स वी डू फर्स्ट एरोबिक देन एनएरोबिक डाइजेशन। तो पहले एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे, दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट इट, एंड देन द एनएरोबिक बैक्टीरिया आर गोइंग टू कम and we are going to digest the food anaerobically, right? Or the food for bacteria is the waste material of the human beings, right? तो anaerobic bacteria जो है वो digest कर लेंगे। Finally जो gas निकलती है बेटा, the sludge which is there, we put it in gober gas chambers, and in the gober gas chambers there is bacteria like Romanococcus, Methanococcus, which is present in gober. So we mix the human excreta with gober and it helps us in producing methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, और finally हम biogas बना लेते हैं, राइट? सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या बना है हमारे लिए, दो चीजें, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो बायोगैस बन गई। बायोगैस बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं बच्चों? ओके, शुड आई डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम? बायोगैस बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम रूमेनोकोकस, राइट? सो मिथेनोजन पे आपका एक 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, that what is it which is going to help you? It is the methanobacterium. Cow dung is being used. Any doubt still here? Fabulous, तो क्या ही किया दिया? I don't have my pen. अब biocontrol agents पे आ जाइए. Last 2 lines are very important. Lady bird जो है, जो आपको top दिख रही है, वो aphids को खा लेती है, और gambusia मछली जो है वो larva को खा लेती है. I am तो just interested in 18th. Done. Now, Bacillus thuringiensis पे आते हैं, बीटी किसको कंट्रोल करता है? कैटरपिलर को। कैटरपिलर किसको खा लेता है बेटा? कैटरपिलर कॉटन को खा लेगा, कॉर्न को खा लेगा। सो ये जो बीटी है, बीटी के स्पोर्स मिलते हैं आपको बाजार में मिलेंगे, इन स्पोर्स को आप पत्तों के ऊपर डाल दो या वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दो।
आपने इसको सरसों के ऊपर डाल दिया, आपने इसको कॉटन के ऊपर डाल दिया, कॉर्न के ऊपर डाल दिया, राइट? सो वेन एवर द कैटरपिलर विल कम एंड इट विल ईट द बीटी, द बीटी विल मिक्स विद द गट सेलाइवा एंड रिलीज द टॉक्सिन, द क्राइजिन गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट विल रिलीज द टॉक्सिन. द टॉक्सिन विल कॉज द गट सेल्स टू डाई, राइट ज्योतिका? द टॉक्सिन विल कॉज द गट सेल्स टू डाई. सो दैट इज वाई बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन क्या? बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस हैज गॉट अ क्राइजीन. सो दिस बीटी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. आप स्पोर्स लीजिए, पानी से मिक्स कीजिए, पत्तों के ऊपर डाल दीजिए. जैसे ही कैटरपिलर आएगा, लेपिडोपेट्रन फैमिली आएगी, लार्वा आएगा. लार्वा जैसे ही स्पोर को खाएगा, इट इज इनएक्टिव आउटसाइड. लार्वा के अल्कलाइन पीएच से मिलकर इट विल गेट एक्टिवेटेड, इट विल रिलीज अ क्राइजीन एंड इट विल कॉज द डेथ ऑफ द कैटरपिलर बाय कॉजिंग, यस, रेस्ट इन पीस खत्म हो जाएगा. क्यों? बिकॉज उसके गट के सेल्स एक्सपोज एकदम फट जाएंगे. इट विल कॉज होल्स इन द सेल्स ऑफ द गट. स्टैटिन्स क्या होते हैं? अटोरवास्टैटिन. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस. इट इज मेडिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू डू व्हाट? मेडिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स टू डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल. यस, आ जाइए बायो कंट्रोल एजेंट्स पे. बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. यस फैजान, डोंट पुल मदन मोहन का लेग. सो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम. प्लांट पैथोजन्स होते हैं जैसे बैकुलोवायरसेस, जिनको हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस कहते हैं. ये आपके प्लांट्स की रूट्स को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोबैको, राइट? सो बैकुलोवायरसेस, स्पेशली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस. तो ये क्या होता है? जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल एक हम चीज करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, आईपीएम. तो आपको पता होना चाहिए कि यू नो द वर्म्स बैक जो होते हैं, वो वर्म्स जो हैं वो रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं ऑफ प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल टोबैको एक इतना इम्पॉर्टेंट प्लांट है. पैसे कितने मिलते हैं टोबैको से? उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है आपका यू नो वर्म्स. तो हम वहां पर क्या डाल देते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक वेब सा बना देते हैं, जाली, और वहां जाकर अटैच हो जाते हैं आपके यू नो इट इज गोइंग टू ऑल द वर्म्स आर गोइंग टू गेट स्टक. तो इसीलिए बैक्टीरिया जो भी है वो पौधा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, राइट? सो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? हमने पेस्ट को या अनवांटेड चीजों को कंट्रोल करना है, मारना है, बट कैसे? इंटीग्रेट करके काम करना है. वी हैव टू यूज द साइंस टू किल अनदर हार्मफुल बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ अ यूजफुल बैक्टीरिया. नाउ दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं. ये लिविंग चीजें हैं, दे आर द बायो फर्टिलाइजर्स. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया. क्या आपको पता है हम मिट्टी में एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर डाल सकते हैं? हम मिट्टी में नॉस्टॉक एनाबीना डाल सकते हैं? हम मिट्टी में यू नो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डाल सकते हैं? हम राइजोबियम डाल सकते हैं? ये सारे मिट्टी का नाइट्रोजन इंक्रीज करेंगे, राइट? मुझे पता है कल से सब बच्चे रेगुलर हो जाएंगे, आज सब अपने एग्जाम्स के चक्कर में बिजी हैं. माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी. तो जो फंगस है वो दूर दूर तक स्प्रेड करेगा. दूर दूर तक स्प्रेड करके क्या करता है फंगस बेटा? फंगस दूर दूर तक स्प्रेड करके हमेशा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. वो किसको देगा वाटर और मिनरल्स? एल्गी को देगा. एल्गी क्या करेगी? एल्गी उस वाटर और मिनरल से फोटोसिंथेसिस करेगी. फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगी और खाना बनाकर एल्गी फंगस को देगी. फंगस को जब खाना मिल जाएगा, फंगस और दूर दूर तक राइट स्प्रेड करेगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन. Now let's come to cyanobacteria. Cyanobacteria blue green algae है, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, and paddy fields में हम cyanobacteria को डाल देते हैं और इसकी वजह से fertilizers जो है वो bacteria को मिल जाते हैं. Yes, so free living nitrogen के bacteria बताइए. Azotobacter, Azospirillum. अच्छा guys, अब मुझे लगता है कि यार इसका तो ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है. ये तो तुम लोग आज सुबह का लेक्चर देख लो, वही वाली चीज है. मुझे लगता है अभी तुम्हें मैक्सिमम फायदा होगा रात के 8 बजने वाले खुद पढ़ाई करके. यस, और मैं फोकस करती हूं टेस्ट पेपर बनाने में. डन. मुझे लगता है वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी. तुम फोकस करो अपना, फटाफट एनसीईआरटी पढ़ लो. जिन बच्चों का नीट का एग्जाम है वो अपना पढ़ लो. जिन बच्चों को यार बोर्ड का एग्जाम है वो फटाफट फटाफट अपने सैंपल पेपर 2-3 सॉल्व कर लो. डन.
मैं कल सैम्पल पेपर भी बायो का डिस्कस नहीं करूंगी यार, बिकॉज तुम लोग कर लोगे यार, मैं नीट पे फोकस करती हूँ, वो हमारा प्राइम एम है। 90% बायो में आ भी जाएंगे, नीट में नहीं नंबर आएंगे तो भैया ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। डन। कर्मा बैच आपका 18 से शुरू हो जाएगा, 18 नहीं 17 आपका 9:30 AM से कर्मा बैच लॉन्च हो जाएगा। डन। सुबह 9:30 से शुरू करूंगी क्लास, तो जाओ यार, मेरे को लग रहा है मेरे को भी पढ़ा है, मेरे को भी टेस्ट पेपर बनाने चाहिए तुम्हारे बैठ के, और तुमको जाके अपने आप पढ़ना चाहिए। डन। कर्मा बैच विल रीस्टार्ट ऑन 17th। चलो जी, ओके जी, टाटा जी, बाय बाय जी, बाय गाइस, पढ़ लो यार, पढ़ो, बाय गाइस, कम ऑन, आई विल सी यू ऑन 17th 9:30 AM, नॉट 9 AM गाइस, मुझे क्लास क्लास लोड करने में उतना टाइम लगता है, आई विल सी यू एट 9:30 AM, बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, यस, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से करना जिनका एग्जाम है, ठीक है, सी यू टुमारो ऑल्सो एंड 17th ऑल्सो, बाय गाइस, बाय।